एक अकेली जंगली बिल्ली जिसने लगभग 436 लोगों को अपना शिकार बनाया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जंगली जानवर इतना खतरनाक हो जो लोगों का इस हद तक शिकार करता हो। भारत का राष्ट्रीय पशु और भारत के जंगलों का सबसे ताकतवर और खतरनाक शिकारी जानवर, जिसकी खूबसूरती के आगे कोई दूसरा जानवर आसपास भी नहीं है। आखिर इस जानवर में ऐसा क्या है और प्रकृति ने इस जानवर को ऐसा क्यों बनाया कि ये इतना खूबसूरत जानवर आज इतना खतरनाक और ताकतवर है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टाइगर की इस बेमिसाल बायोलॉजी के बारे में और टाइगर के बारे में सब कुछ पता लगाने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता। तो दोस्तों बने रहिए एनिमल टीवी हिंदी के साथ और वीडियो का मजा लीजिए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ उत्तर पूर्वी भारत और नेपाल के गाँव में एक बाघिन का बहुत भयंकर खौफ था, जिसे आज हम चंपावत बाघिन के नाम से जानते हैं। इस अकेली बाघिन ने लगभग 436 लोगों को अपना शिकार बनाया और ये अकेली बाघिन नहीं है जिसने ऐसा किया। यहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क में उस्ताद नाम के एक टाइगर ने लगातार 4 लोगों को अपना शिकार बनाया। ये टाइगर पूरी दुनिया में फेमस मछली बाघिन का पोता था। इस टाइगर के इस खतरनाक व्यवहार की वजह से अदालत ने इस टाइगर पर एक फैसला सुनाया और इस टाइगर को उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया। टाइगर सभी बिल्लियों में सबसे बड़ा जानवर है। इसकी बेमिसाल ताकत और इसका किसी से भी ना डरने वाला व्यवहार इसे जंगल का सबसे खूंखार और खतरनाक शिकारी जानवरों में से एक बनाता है। टाइगर हर साल लगभग 50 से 60 लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और सन 1800 के बाद टाइगर ने अब तक लगभग 3,73,000 लोगों को अपना शिकार बनाया। आखिर क्यों ये बिल्ली इतनी घातक और खतरनाक है? आखिर क्यों ये बिल्ली इतनी खास है और इस बिल्ली में ऐसा क्या है कि इस दुनिया में इस बिल्ली के दीवानों की कोई कमी नहीं? भली से ये बिल्ली आज एशिया में रहती हो, लेकिन जब पहली बार टाइगर इस दुनिया में आए थे तब वो एशिया में नहीं बल्कि अफ्रीका में पैदा हुए थे। जिस टाइगर को आप देख रहे हो, इस टाइगर का पहला जानवर आज से लगभग 15 लाख साल पहले यहाँ अफ्रीका में किसी दूसरे जानवर से विकसित हुआ था और इसी जानवर से शेर, तेंदुए, स्नो लेपर्ड और जेगुआर भी विकसित हुए थे। और दूसरी जितनी भी बिल्लियाँ आप देखते हो, ये सभी उसी जंगली बिल्ली की संतानें हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन जानवरों में इनके रहने वाले इलाकों, इनके खान पान और इनके व्यवहार के आधार पर इनके शरीर में बदलाव आते हैं और उस बदलाव का नतीजा आज आप देख रहे हो। इन तरह तरह की बिल्लियों को देखकर अभी भी ये बात समझ से बाहर है कि आखिर क्यों टाइगर अकेले रहते हैं और शेर झुंड में। वैसे दुनिया भर में ज़्यादातर बिल्लियाँ अकेली ही रहती है। किसी ज़माने में टाइगर अफ्रीका से लेकर पूरे एशिया तक फैले हुए थे, लेकिन जब से इंसानों ने धरती पर कदम रखा है इनके इलाके सिमटते चले गए और इसी दौरान इंसानों की टाइगर से मुठभेड़ हुई। पृथ्वी पर टाइगर की बहुत सारी उपप्रजातियाँ किसी ज़माने में विचरण करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ 6 उपप्रजातियाँ ही जिंदा बची है, जिनमें सबसे ज़्यादा आबादी बंगाल टाइगर की है। दुनिया के सबसे बड़े टाइगर साइबेरियन टाइगर होते हैं और इन दोनों उपप्रजातियों के अलावा इंडो चाइनीज टाइगर, सुमत्रन टाइगर, मलायन टाइगर और साउथ चाइना टाइगर आज एशिया के जंगलों में विचरण करते हैं। इन सभी टाइगर की उपप्रजातियों में सबसे ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर है साइबेरियन टाइगर, क्योंकि आकार में ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इनके सामने बंगाल टाइगर तो बच्चे की तरह लगते हैं। किसी साइबेरियन टाइगर की ऊंचाई लगभग 1.1 मीटर तक होती है, लंबाई लगभग 3.5 मीटर, वजन लगभग 300 किलोग्राम तक होता है और दांतों और पंजों की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है और ये बहुत तेज और नुकीले होते हैं। ये लगभग 65 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और लगभग 1050 PSI के बाइट फोर्स से काट सकते हैं। इस बेमिसाल आकार और बेमिसाल ताकत की वजह से साइबेरियन टाइगर बड़े बड़े जानवरों को जमीन पर मिनटों में धराशायी कर देता है। टाइगर के पास होती है इनकी बेमिसाल मसल पावर। टाइगर की बेमिसाल मसल्स की वजह से टाइगर सामने वाले जानवर को इस प्रकार से दबोच कर रखते हैं कि सामने वाला जानवर चाहे कितना भी जोर लगा ले, वो बचकर नहीं निकल सकता। ये सेकंडों में अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये बहुत फुर्तीले होते हैं। ये मसल पावर टाइगर को बहुत ज़्यादा ताकत प्रदान करती है और यही कारण है कि जंगल का लगभग हर जानवर टाइगर से डरकर दूर रहता है। एनिमल टीवी हिंदी पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जिनमें हमने टाइगर को दूसरे जानवरों से कंपेयर किया है। टाइगर दुनिया के लगभग हर जानवर को हरा सकता है।
हालांकि उन जानवरों की बात अलग है जो आकार में बहुत ज़्यादा बड़े हैं और कई जानवर पानी में भी रहते हैं, और कई जानवर ऐसे भी हैं जिनका टाइगर शिकार भी नहीं करना चाहता। एक भूखा साइबेरियन टाइगर यहाँ साइबेरिया में रहने वाले भालू का भी शिकार कर सकता है। जंगली भेड़ियों का झुंड भी टाइगर से डरकर दूर रहता है। हिरन, जंगली सुअर जैसे जानवरों का ये बड़ी आसानी से शिकार कर लेते हैं। और टाइगर की पावर को आप ऐसे भी समझ सकते हो, साइबेरियन टाइगर तो काफी बड़ा जानवर है। अगर आप टाइगर की सबसे छोटी प्रजाति को भी इंसान के सामने खड़ा कर दो तो वो टाइगर भी इंसान की गर्दन को एक पंजे के वार से शरीर से अलग कर सकता है। अब आप अंदाजा लगा लो कि टाइगर कितना ताकतवर होता है। यहाँ आप इस वीडियो में भी देख सकते हो, ये एक बेंगल टाइगर है और उसने इस भैंस को पछाड़ने के बाद दूसरी भैंस पर भी हमला करने की सोच रखी है। यहाँ अफ्रीका में शेर भैंसों के झुंड पर हमला करने से भी कतराते हैं, और यहाँ टाइगर सामने से भैंस पर हमला करता है। इतने बड़े जानवर पर सामने से हमला करना कोई मामूली बात नहीं है। बात करें टाइगर के शिकार करने की तकनीक की, तो ज्यादातर जंगली बिल्लियों को जब भी आप शिकार करते देखोगे तो वो सामने वाले जानवर की सांस दबोच कर शिकार करते हैं। लेकिन टाइगर इतना इंटेलिजेंट है कि इसके शिकार करने के तरीके अलग अलग जानवर पर अलग अलग होते हैं। छोटे मोटे जानवरों को तो ये अपने पंजों से ही दबोच लेते हैं। बड़े जानवर जिनकी गर्दन पकड़ना आसान होता है, ये उनकी सांस दबोच कर शिकार करते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी गर्दन को दबोचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन जानवरों को ये गर्दन के नीचे से नहीं बल्कि गर्दन के ऊपर से पकड़ते हैं। जब टाइगर गर्दन के ऊपर से जानवर को पकड़ता है तो शिकार जानवर के दिमाग का कंट्रोल उसके शरीर से टूट जाता है, और टाइगर के लिए उस जानवर का शिकार करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ इस वीडियो में एक बेंगल टाइगर मगरमच्छ का शिकार कर रहा है, और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये मगरमच्छ की गर्दन को ऊपर से दबोच रहा है। ऐसा का ऐसा ही जैगुआर भी करते हैं। टाइगर ने ये कल परसों से नहीं सीखा, टाइगर को ये सब सीखने में हजारों सालों का समय लगा है। इसी की बदौलत टाइगर आज इतना बेमिसाल और ताकतवर शिकारी जानवर है। खैर, जानवर कोई सा भी हो, वो हम इंसानों से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। टाइगर के दुश्मनों की बात करें तो जंगलों में टाइगर के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइगर के सबसे बड़े दुश्मन हैं हम इंसान। वैसे तो ज्यादातर समय टाइगर हम इंसानों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पिछले 100 सालों में जितने टाइगरों को हम इंसानों ने मारा है, उतने इंसान तो टाइगर ने पिछले 500 सालों में भी नहीं मारे होंगे, और शायद इसी वजह से टाइगर की नज़रों में इंसान एक खतरनाक जानवर है। और टाइगर जानबूझकर भी इंसानों को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करता है। आज हम इंसानों की वजह से टाइगर के रहने वाले इलाकों में भारी कमी आई है। जिन इलाकों में आज हम इंसान खेती करते हैं, वो इलाके कभी इन टाइगरों के रहने की जगह हुआ करती थी, और आज हम इंसान कहते हैं कि हमारे खेतों में टाइगर आ गए। भाई, वो तुम्हारे खेत नहीं हैं, वो कभी इन्हीं के इलाके हुआ करते थे। बस अब हम इंसान यहाँ रहते हैं। जब कभी भी आपके आसपास या किसी गांव में या किसी जंगली इलाके में कोई टाइगर आ जाता है, और अगर आपको लगता है कि वो आप पर खतरा है, तो आप ऐसे गांव वालों को इकट्ठा करके उसे मारने मत जाया करो। हो सके तो पास के वन्य विभाग को कॉन्टेक्ट करके उन्हें बुला लो। अपने इंडिया में कई बार ऐसे मामलों में कई सारे जानवरों ने अपनी जान गंवाई है। आपको शायद आपकी जान की आती हो, लेकिन जानवरों में भी जान होती है, और उनको इस तरह से खदेड़ना, उनकी जान के पीछे पड़ जाना बहुत गलत बात है। इसलिए कभी अगर आपको टाइगर हो या फिर कोई सा भी जंगली जानवर, उसे बचाने का मौका मिले तो पीछे बिल्कुल मत हटना, क्योंकि पृथ्वी हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि इन जानवरों के लिए भी है। एनिमल टीवी हिंदी पर हम आपको इसी प्रकार की जानकारी देते हैं। अगर आप इंसानों की बायोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर दिए गए इस वीडियो को जरूर चेक करें। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और एनिमल टीवी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।